यह सवाई माधोपुर स्टेशन है, यहाँ से रणथंभौर फोर्ट 14 किलोमीटर दूर है, तो आज हम वहीं पर जाने वाले हैं। तो हम बारी बारी से जितने भी रणथंभौर फोर्ट में गेट है वो बताएंगे। वहाँ पे गणेश टेम्पल, पदमला तालाब, 32 खंभों की छतरी जो आपने एक देखी होगी, लेकिन वहाँ पर 32 खंभों की छतरी दो है, तो आज हम वहीं पर जाने वाले। और एक गुप्त गंगा जो आपको उनका रहस्य आज तक पता नहीं लग पाया कि वहाँ पर पानी कहाँ से आ रहा है, तो आज वो भी दिखाएंगे हम। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। यह रणथंभौर का मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाने के बाद थोड़ी दूर गौमुख गेट दिखाई देगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क जहाँ सेंचुरी के अंदर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो हमें जोन गेट से गुजरना पड़ता है। तो ये जोन गेट आप देख सकते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क में ये जोन गेट बहुत सारे तो बांट रखे हैं। फाइनली हम रणथंभौर फोर्ट पहुंच चुके हैं, तो आप इसका दृश्य देख सकते हैं। इसके जस्ट सामने जो सेंचुरी में भ्रमण के लिए जाते हैं वो जो जोन गेट है, तो हम रणथंभौर फोर्ट के अंदर चलते हैं। पहला दरवाजा आता है नवलखा पोल। दूसरा दरवाजा आता है हाथी पोल, तो आप इसके जस्ट सामने देख सकते हैं इस पत्थर की आकृति हाथी जैसी लग रही है, इसलिए इस गेट का नाम हाथी पोल दिया गया है। तीसरा दरवाजा आता है गणेश पोल। इसके जस्ट बाद आता है अंधेरी पोल। इस गेट का नाम अंधेरी पोल इसलिए रखा गया है, इसके पीछे एक गुफा है जिसमें थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो हम उसको भी दिखाते हैं। ये रणथंभौर फोर्ट का पूरा नक्शा है। इस महल पर छोटे छोटे ऐसे छिद्र हैं जहां से हर छेद में से अलग जगह दिखती है रणथंभौर फोर्ट में। इस छतरी में 32 खंभे हैं, इसलिए इसका नाम 32 खंभों की छतरी रखा गया है। पदमला तालाब। गणेश टेम्पल। गणेश टेम्पल के लेफ्ट हैंड की तरफ गुप्तगंगा का रास्ता है जो जंगल की ओर से गुप्तगंगा की ओर जा रहा है, तो हम वहीं पर जाएंगे। Thank you.
तो फाइनली हम गुप्तगंगा पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से सीढ़ियों से उतरने के बाद जस्ट गुप्तगंगा आपको दिखाई दे रही होगी। गुप्तगंगा के अंदर जाते टाइम एक एक करके जाने तो वहाँ पे फंस सकते हैं। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं खम्बा है जिसके सारे शायद ये टिकी हो। यहाँ पे एक मंदिर भी है शिवलिंग का। तो मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी है जो भी बिल्कुल साफ पानी है। इस पानी को हम पी भी सकते हैं। तो मैं पानी हाथ में लेके दिखाता हूँ तो आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल साफ पानी है। तो आज तक पता नहीं लग पाया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। और इसके जस्ट पीछे की साइड यहाँ पे एक गुफा भी है जो बहुत अंदर जा रही है साइड। और पता नहीं ये रणथंभौर फोर्ट में जा रही है लेकिन हमें भी पता नहीं ये कहाँ जा रही है। यहाँ से हम गणेश टेम्पल से आए थे। ये गुप्तगंगा के बाहर का दृश्य है। यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है जहाँ से 32 खंभों की छतरी सेकंड वाली आती है। तो हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग। ये सब मेरे फ्रेंड है। यहाँ पे हम न्यू ईयर के दिन घूमने आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। और अगर आपको रणथंभौर के बारे में जानना है और ज़्यादा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।